ত্রিপুরা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক সহায়তায় গত শুক্রবার থেকে রাজ্যের রেফারিদের নিয়ে শুরু হয়েছিল এক বিশেষ শিবির। তিন দিন ব্যাপী শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়ার হেড অব দ্য রেফারির দায়িত্বে ছিলেন মণিপুর থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রেফারি জয়চন্দ্র সিং। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে তিন দিনের এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন 63 জন রেফারি। রবিবার শিবিরের শেষ দিনে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানালেন প্রধান রেফারি জয়চন্দ্র সিং। तीन दिन का है, तीन दिन में हम लोग सुबह में रेफरिंग का जो प्रैक्टिकली कैसे दौड़ना है, पोजीशन कैसे लेना है, फ्लैग कैसे करना है और असिस्टेंट होकर कैसे कहां पर कैसे दौड़ना है और कब फ्लैग उठाना है और फ्लैग उठाने के बाद रेफरी लोगों को क्या करना है, ये सब चीज हम लोग ग्राउंड में कर रहे हैं। और लो के बारे में, लो है जो फुटबॉल का लो है, नियम है, वो हम लोग क्लासरूम में कर रहे हैं। क्लासरूम में हम लोग थ्योरी भी पढ़ाता है और वीडियो दिखाकर हैंडबॉल कैसा होता है, हैंडबॉल कैसे नहीं होता है, फाउल कौन सा, फाउल येलो कार्ड है, कौन सा फाउल रेड कार्ड है और हम लोग ऑफसाइड कैसे होता है, ऑफसाइड के बारे में वीडियो दिखाकर ये लोगों को सिखा रहा हूं। और फुटबॉल रेफरिंग में फिटनेस कैसे होता है आज किया है और अभी अभी अंदर में जो कर रहा है रेफरी को कैसे पोजीशन लेने का, गेम खेल रहा है तब तो आपको कौन सा पोजीशन में खड़ा होना है वो अभी कर रहा है।